हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। पहुंच गए थे रात में या सुबह पहुंचे हो? सुबह कितने बज गए थे? 5:30। ड्राइवर तो 5 बजे का फोन था उसका मेरे को, मतलब उसने झूठ बोला। अरे एंटर हो गए थे हम 5 बजे, 5:30 घर पे पहुंचे। अच्छा, सो गए थे या नहीं? सो के उठी हूँ। ठीक है, कम सो लिया यार। मतलब 5:30 से अभी 10 ही तो बज रहे हैं। मैंने फिर भी तो मैं लेट कॉल किया, सोचा सो रहे होंगे ये, इसलिए मैंने लेट कॉल किया आपको। अरे नहीं, वो आसपास में जो नेबर्स रहते हैं वो आ गए थे मिलने के लिए। इतने सुबह? हाँ, तो उनको पता था किस टाइम तक आ जाएंगे। ओके, वहाँ पे भी रसम अभी वसम होगी ना, वहाँ आरती वरती कुछ होता है, सत्यनारायण की पूजा होती है कुछ। तो उसमें भी टाइम लग गया होगा, मतलब 3-4 घंटे ही सोए सिर्फ। 3-4 क्या, 2-3 ही घंटे शायद।2 घंटे। कोई बात, अभी दोपहर में मस्त खाना खा लो अभी और सो जाना, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा आज। ओके, मतलब ओके। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ? नहीं, आपने बोला ऐसे, मैंने तो कुछ कहा नहीं मैंने ऐसे। तो ऐसे ही बोला, बट आपने बोला कि ओके, मतलब मैं आपको पहले डिस्टर्ब करता था। नींद में कोई कॉल करे तो वो डिस्टर्ब ही हो जाता है। नींद डिस्टर्ब होती है ना, इंसान थोड़ी इंसान भी हो गई, जो सो रहा था वो उठ जाएगा एकदम से, क्या हो गया? होता। वैसे आज कॉल पे अजीब लग रहा है बात करना, बता। वैसे गाड़ी अच्छे से चलाई उसने या कैसा? नींद आ रही थी उसको भी? नहीं, स्लो स्लो चलाई। उसे दिन भर सुलाया था हमने बस ड्राइवर को। रात में टिकना चाहिए। और क्या बनाया उधर खाने में? चने व्हाइट हमें नहीं बुलाओगे? क्या? हमें नहीं बुलाओगे खाने पे? आ जाओ, अभी अब बोल के क्या मिल रही मतलब है? पहले ही बोलना चाहिए था ना, आ जाओ। फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए ना। अच्छा, मुझे लगा इंसान अनकंफर्टेबल है अभी, तो फॉर्मेलिटी करेगा है ना। मतलब नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं आप करनी चाहिए। कंफर्टेबल हो गए मेरे साथ, सो फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, राइट? पहले रिलेशन ही था ना कोई, है सो सो क्या, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए फिर उस चीज में। अच्छा अभी क्या रिलेशन है? आपको नहीं पता? आप क्यों से सुनना चाहते हो ना? अब हसबैंड वाइफ है ना, तो अच्छा, तो आप मुझे, अभी शादी हो गई है, अभी इतने में तो आपने मुझे नाम लेके भी नहीं बुलाया है और ना ही कुछ और कह के बुलाया है। मतलब मैंने ही आपसे आके बात करी, आपने तो करी नहीं है शर्म के मारे। अच्छा नहीं लगता भाई, रिलेटिव्स थे ऑल, तो उस वजह से। तो अभी तो आपको मुझे आवाज़ भी लगानी पड़ेगी कभी ना कभी, है ना? तो क्या नहीं, मैं कह कॉल कर दूंगी ना। के साइड में खड़ा हूँ, फिर भी कॉल करके बोलोगे? हाँ, तो मिस कॉल कर दूंगी, समझ जाओगे। मैंने जानबूझ के फोन को ना म्यूट पे रखना है, फिर तो वाइब्रेट तो होगा ना, म्यूट म्यूट, नॉट वाइब्रेट। मिनट तो कोई होगा आसपास, उसको बोल दूंगी, क्या क्या बोला बुला के तुमने? लाने के लिए किसे? आपको। अच्छा, अब उसे थोड़ी पता होगा कि आपको किसे बुलाना है, तो तुम उसे क्या बोलोगे कि किसे बुला के लाना है? बन जाते हैं हम, अगर कोई घर वाला होगा तो उसको तो मैं खुद जाके बुला सकती हूँ ना। हाँ, अच्छा ऐसा बोलो कि मेरे रिस्पेक्ट उन्हें दे बुला के के इंसान लाओ, समझ जाता है। है ना? मेरे उन्हें बुला के लाओ, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ज्यादा कुछ हो जाता है। नहीं, आप बुलाओगे क्या मुझे? क्या क्या नाम लोगे सीधा? शादी के पहले तो कॉल पे लिया है आपने एक दो बार वैसे तो, अभी क्या बुलाओगे वो जानना चाहता है। आपके घर में बुरा मानेंगे अगर मैं नाम लेके बुलाऊंगी तो?
नहीं पर हाँ मान भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। एक्चुअली मैं ही मान जाऊंगा। क्या हाँ तो बोलाओगे? ये बेस्ट रहेगा ना, फोन कॉल वाला, नहीं नाम भी नहीं लेना पड़ेगा नहीं अभी। नहीं यहाँ पे अहो बोलते हैं, पता है आपको? हाँ तो वो तो हर एक की बोल के वाइफ दिखाओ बोलती होगी ना उसको, तो तो, आप बोल के कैसे दिखाओ ना पता मेरे को, चलेगा? अभी बोल के दिखाओ ना। या तो आपका हिंदी वाला अजी सुनते हो नहीं वो भी नहीं। तो मराठी वाला अहो बोल दो। हैं बोलो, सुनना चाहता हूँ मैं अभी के अभी। आज बाजू कोई तो है नहीं ना? है मम्मा, कौन है? दो बात करता हूँ मैं उनसे। नहीं दोगे? कोई नहीं है तो झूठ ना बोला मत करो, ठीक है? बेवकूफ। तो मैं रखती हूँ अभी, ठीक है? क्यों, क्या क्यों, क्या हुआ? मैं हेल्प करवा देती हूँ काम करने में? हेल्प या हग? हेल्प अच्छा आप मुझे बुलाने वाले थे कुछ? वैसे कोई नहीं है साइड में, मुझे पता है। होता ना तो आवाजें आती, मम्मा चुप नहीं होती इतनी, जानता हूँ मैं उन्हें। तबीयत खराब कर ली? वो हो जाती है कभी भी चेंज होने की वजह खराब ही थी। से। चलो बोलो, अहो सुनते हो? दोनों चीजें थोड़ी बोलती हैं। तो दोनों में से कुछ एक बोल लो, आपके उसके बिना साथ तो तो फोन मैं नहीं हटेगा। अपने अभी बोलना तो आपके पड़ेगा, साथ तो मैं क्या बुलाऊं आपको? बुलाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आज भी पर्सनली मुझे अकेले में होंगे तब क्या बोलोगे? मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या जाते हो, आपके भाई आपको क्या कैसे बुलाएं? अहो क्या यार, मराठी लड़का हूँ ठीक है, एक ही चीज एक्सपेक्ट करूंगा, अहो बोले। ओके सबके बोल के दिखाऊं? हाँ सामने या घर पे? वैसे भी जब अकेले हूँ सबके सामने ही, अकेले में भले ही तुम मुझे ओए बोल सकते हो या नाम ले सकते हो। तो बोल के दिखाओ ना यार, कम ऑन, इसमें भी क्या शर्म है? हैं इसमें कौन सी शर्म आ रही है आपको? ओके आहो ठीक है, हैप्पी ऐसे नहीं, एक कैसे? सिचुएशन देता हूँ ठीक है। मैं अपने घर वालों के साथ खड़ा हूँ ठीक है, और आप ऊपर से आते हो, मतलब हमारे रूम तो ऊपर ही आपने देखा ही है। हाँ ठीक है, हाँ, आप नीचे आते हो, मुझसे कुछ काम करवाना होता है आपको, लाइक लाइट चला जाता है, लाइट फिट कराना होता है, कुछ भी ठीक है। तो आप नीचे भागते हुए आते हो, मुझे कैसे आवाज़ दोगे सबके सामने एकदम फील के साथ? ये चीज़ करके दिखाओ अभी तुम मेरे को, ठीक है? ऑडिशन चल रहा है आपका, ओके? हाँ तो वो कुछ बुलाने की जरूरत ही नहीं ना, टैप करके भी शोल्डर पे बुला सकते हैं। नहीं ना, तुम्हें दूसरी आवाज लगानी, क्योंकि आजू बाजू सारे लोग खड़े हैं घर के। नहीं हाँ तो ये नॉर्मल रहेगा, बुलाना ही नहीं पड़ेगा। नहीं पर मैं चाहता हूँ कि तुम बुलाओ तो। अब ऐसे तो बोलोगे नहीं कि मैं कान में एयरफोन्स लगा के घूमूंगा। हाँ मैं कान में एयरफोन्स लगा के घूम रहा हूँ, बोलो। हाँ हाँ तो ठीक है, एयरफोन्स निकाल दूंगी फिर, समझ जाओगे बुला रही हूँ। नहीं नहीं पहना है मैंने, लेकिन मैं तुम्हारी बेस्ट बात पे रहेगा। ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जब भी तुम मुझे टैप करो शोल्डर पे या कुछ भी करो, मैं नहीं दूंगा ध्यान, या मिस कॉल करो कुछ भी करो, नहीं दूंगा। आपको बोलना ही पड़ेगा, मैं चाहता हूँ बोलो तो। और ये सिचुएशन होने वाली है कभी ना कभी, फिर तो मैं वो अंकल को बोल दूंगी ये बुला लो, ठीक है, कौन से अंकल को? अच्छा जो फिटिंग करने आएगा। ओके, लड़कियों का तो फिर आपको पता ही है, नाच लो तो वो सुनाना भी आता है उनको। ठीक है टाटा, ओके। आप फेल हो गए एग्जाम में, अब मैं आपको लेने नहीं आऊंगा जब तक ये चीज़ आप मुझे बोलने देते, ठीक है? वैसे भी एक हफ्ता तो हो ही उधर, एक हफ्ते के बाद जब
आने की बात आएगी तो मैं सीधा बोल दूंगा नहीं मैं आ ही नहीं रहा लेने, उसने मेरे को आओ नहीं बोला। ठीक ये कोई बात ही नहीं होती है। है, तो अब आपको इस बात से बचना है तो बोलना तो पड़ेगा। मैंने कभी किसी को बोला नहीं है, तो मेरे को अजीब लग रहा है इसके बोलना। पहले ही पति हूं ना तुम्हारा अरे मतलब ऐसे भी तो फिर भी कैसे बोलो, पहली बार ही होता है ये। ठीक है बोल के दिखाओ। हाँ, तो जब मम्मा ने भी पापा को बोला होगा तो पहली बार तो नहीं बोला होगा ना ढंग से, अभी बोला था, तो उनको बोलना ही प्रैक्टिस होता हो है। ठीक गई। है भाई, ठीक है फिर फोन कर देता हूँ मम्मी को कि वो मुझे ये नहीं बोल रही है तो मैं उसको लेने नहीं आ रहा हफ्ते बाद। ठीक है ठीक है, बाय। गुस्सा आ गया क्या? हाँ तो मैं कोई कंपल्सन नहीं करेगी, आप मेरे को कोई चीज बोलोगे तो ही मैं आऊंगी। अभी से ना करे शुरू हो गए। ठीक है माफ करना हमारी गलती है। नहीं मुझे मेरे दोस्त ने सलाह दी थी, वो मुझे फॉलो करनी नहीं। ठीक है मैं लेने ही नहीं आऊंगा, बोलना पड़ेगा। मैंने बोला तो है, आप फिर वही चीज बोल रहे हो। ठीक है अच्छा सुनो, आते हुए ना आ मम्मी ये को बेस्ट रहेगा, पापड़ ठीक है पसंद मैं है यही बोलूंगी। क्या, अच्छा सुनो, तो बेस्ट ये है, बोल लो अच्छे से फिर बोला तो है अभी। से, अच्छा सुनो, वाई लव यू भी बोलो साथ में। आई लव यू। ठीक है थैंक यू। उस दिन आपने एक चीज़ नहीं कही थी पता है, मुझे अभी याद आई, रिसेप्शन के चक्कर में और आपके वो जाने आने के चक्कर में भूल गया था मैं। आपने क्या? दरवाज़ा लगा दिया था जब मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि मेरा हक नहीं है, है ना कुछ ऐसा था राइट? बोलो शादी के पास वैसे भी हक मिल ही जाता है। ठीक है भाई, तो रिप्लाई तो बनता है ना। क्या रिप्लाई? मैंने कहा था लव यू वाली चीज। आई लव यू टू। सामने सामने से चाहिए मुझे, भी बोला था मैंने। परसों आ रहा हूँ उधर मिलने के लिए चुपके से ऑफिस के बहाने से। सो ये चीज मुझे तब सामने चाहिए। ठीक है और यहाँ पे जब आप आ जाओगे एक हफ्ते बाद तो 1.5 महीने तक तो हम कहीं जा नहीं सकते घूमने फिरने, है ना? तो जब आप एक हफ्ते बाद आओगे तो 1.5 महीने के बाद हम लोग जाएंगे बाहर, ठीक है घूमने के लिए। कहाँ जाना चाहते हो? मेरी कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है। स्माइल में ही पता चल रहा है तुम्हारे। ठीक है तो क्या? तुमने भी हल्की सी स्माइल करी ना आपने, उसमें दिखा कि डिमांड तो तुमने है। और आपने क्या होता है? क्या मतलब? आपने बोला ना अभी कि तुमने स्माइल की ना, आपने ये क्या होता है? एक चीज देखो खोलो। ठीक है आपने ओके हाँ तो बताओ ना, क्या बताऊं? डिमांड तो है आपकी कहीं ना कहीं। नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है। ठीक है मिलके डिस्कस करेंगे परसों ओके। हाँ ओके, जी शर्माना मत बस, मैं नहीं शर्माती। वो तो दिख जाता है अभी भी दिख रहा है। बाय द वे आई लव यू। आई लव यू टू। इतना फॉर्मेलिटी वाला रिप्लाई, छी मैंने कितने कौन सी प्यार से बोला। फॉर्मेलिटी है? हाँ तुमको प्यार है भी, हुआ भी है मेरे से अभी तक है, शादी तो कर ली, अरेंज मैरिज भाई है। आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है कि 10% हुआ है अभी, है हाँ तो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 10% प्यार के साथ बोल दिया ना मैंने भी। मतलब तुम्हें 10% भी नहीं हुआ है? ये तो फील होना चाहिए, बोलने से क्या होता है। ठीक है ना, हो जाएगा धीरे धीरे, पता है मेरे को। ठीक है फिर, आप अपने काम करो घर के। ओके ओके ठीक टेक केयर, है। कॉल कर लेना अगर मन करे तो, इंतज़ार रहेगा क्योंकि शायद इतने में मैंने ही कॉल किया है। पहली बार किया क्या कॉल? मैंने हाँ जी शादी के दिन में मैंने किया, शादी के पहले भी मैंने किया, शादी के बाद भी मैंने किया, रिसेप्शन वाले टाइम भी मैंने किया, हर टाइम मैंने किया। ठीक है, यहाँ आने के बाद बोल रही हूँ मैं पहली बार। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है? आपके नाम से? ठीक है, वहां के चेंज कर दूंगा। ओके चलो, रखता हूँ अभी, ओके टाटा। वैसे क्या नाम रखोगे चेंज करके? मैंने जो किया है वो आप देख लेना, अगर उस हिसाब से आपको सही लगे तो आप अपने हिसाब से कर देना चेंज, आपने क्या रखा है? ठीक वो पता चल जाएगा ना मिलके, देख लेना। अभी तो चुड़ैल कुछ ऐसा लिखा हुआ है पर ठीक बोलने में आप और नाम छुड़ैल। तो। चुड़ैल को आप नहीं बोला जाता क्या? तू बोलूंगा तो खा जाएगी। फाइनली हंसे तो सही। ठीक है चलो, आता हूँ मैं उधर। ओके परसों चुपके से आ रहा हूँ, घर पे बताना मत क्या आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है।